कटहल के साथ या फिर कटहल खाने के बाद भूलकर कभी भी ना खाए ये चार चीजें, वरना हो सकता है भयंकर परिणाम। वैसे तो कटहल खाना सेहत के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें ढेर सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटासियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन के साथ साथ भरपूर मात्रा में आयरन और फाइबर भी होते हैं। कटहल को सब्जी और फल दोनों तरह से ही खाया जाता है। कच्चे कटहल की सब्जी बनाकर और पके हुए कटहल को फ्रूट के रूप में खाया जाता है। लेकिन ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि कटहल खाने के बाद आप किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, इससे आपको जानलेवा खतरा हो सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जो कटहल खाने के बाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। So hi and hello friends, this is Raja and you are watching Health Tailor. तो चलिए शुरू करते हैं। दूध का सेवन, लगभग सभी लोग दूध पीना पसंद करते हैं और उनमें से तो कई लोगों की आदत ही होती है कि खाने के बाद दूध पीना, क्योंकि दूध एक कंप्लीट फूड होता है। इसमें सभी तरह की जरूरी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नियासिन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तथा और भी कई पोषक तत्व तो होते हैं। हालांकि दूध पीने के कई फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप कटहल के साथ या फिर कटहल खाने के बाद दूध का सेवन किया तो ये आपके पेट में जाकर रिएक्शन पैदा करेगा, जिस कारण आपको स्किन संबंधित बहुत सारे समस्या जैसे दांत, खोज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस और सफेद दाग जैसी भयंकर बीमारी हो सकता है। तो भूलकर भी कटहल खाने के बाद दूध या दूध से बनी कोई भी चीज का सेवन ना करें, नहीं तो आपका चेहरा बिगड़ सकता है। पपीता, आमतौर पर अधिकतर लोग पपीता खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पपीता में औषधि गुण होते हैं। इसमें फाइबर, कैरोटीन, विटामिन सी और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। पपीता एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल के रूप में भी काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पर भूलकर कभी भी कटहल के साथ या फिर कटहल की सब्जी खाने के बाद पपीता बिल्कुल भी ना खाए, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। कटहल और पपीता साथ में खाने से आपके शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। भिंडी, भिंडी को तो शायद ही कोई हो जो ना खाते हो। ये सेहत के लिए खजाना है, ये बहुत सारे बीमारियों से आपको बचाता है क्योंकि इसमें ऐसा ही औषधि गुण होता है। भिंडी स्वास्थ्य के लिए बेहद हेल्दी फूड है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और मिनरल्स से भरपूर तत्व होते हैं, तो भिंडी खाने के फायदे ही फायदे हैं। लेकिन अगर आप सेहत से करते हैं प्यार तो भूलकर भी कटहल खाने के बाद भिंडी या भिंडी से बनी कोई भी चीज़ ना खाए, क्योंकि कटहल और भिंडी आपस में नहीं बनती। कटहल और भिंडी खाने से ये पेट में जाकर तुरंत जहर बन जाता है, इससे आपको कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट में दर्द, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, आपके पाचन में दिक्कत, कब्ज, बवासीर जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको कटहल और भिंडी एक साथ में नहीं खाना चाहिए। कटहल खाने के बाद पान भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पान खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के गुण होते हैं जो कई सारे बीमारी से शरीर को बचाकर बॉडी को हेल्दी रखता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद पान खाना पसंद करते हैं। इससे खाना पचने में सहायता होती है। लेकिन अगर आप कटहल खाए हैं तो उसके बाद गलती से भी पान ना खाए, वरना जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। कटहल या कटहल की सब्जी खाने के तुरंत बाद पान खाने से मौत का खतरा हो सकता है, क्योंकि कटहल के साथ पान और पान के अंदर चूने और कत्थक के मिल जाने से पेट में जहर बन जाता है जो आपको पता भी नहीं होता है। इसीलिए कभी भी कटहल खाने के बाद पान या कोई भी खट्टा चीज़ों का सेवन ना करें, इससे मौत का खतरा रहता है। और कटहल को बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होता है जो सेहत के लिए अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादा फाइबर पेट में गड़बड़ी करता है, इससे पाचन में उल्टा प्रभाव पड़ता है और पेट खराब की संभावना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ये एकदम से फ्री होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके ढेर सारे प्यार के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियोस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।